हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने 11 के मैथ को भी शुरू कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 3, जो कि त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो इसी को हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको 3.1 के कुछ सवालों को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, इस सवाल के अंत में हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जिन्हें आपको पूरा करना होगा। यदि आप होमवर्क पूरा कर ले रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका फोटो लेकर सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि 8:30 से 9 बजे के बीच में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप खुला रहता है, आप उसी समय अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। यदि आप हल कर ले रहे हैं तो, यदि नहीं हल कर पा रहे हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अब देखिए, इसमें पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित डिग्री माप के लिए संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी हमें डिग्री में दिया गया है, यानी अंश में दिया गया है, इसको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला सवाल हल करके आपको बताते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है 25 अंश, तो इसको हमें बदलना है रेडियन में। तो हम क्या करेंगे कि पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 गुणे पाई बटे 180। ठीक है, अब देखिए 5 × 25 होता है, यानी 5 से ये कट रहा है, और 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30, 36 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5π/36, तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल इसका। तो देखिए, दूसरा सवाल दिया गया है -47 अंश 30 मिनट। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि एक अंश में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मिनट दिया गया है, इसको पहले हम अंश में बदलेंगे। तो अंश में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें 60 से भाग दे देंगे तो ये अंश में बदल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर रख दे रहे हैं, 47 + 30/60। अब देखिए, इसको जब हम काटेंगे तो 30 × 1 = 30, 30 × 2 = 60, कट रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 47 + 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 47 × 94 + 1/2। ठीक है, इसको हल कर देंगे जैसे भिन्न का जोड़ हल करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर 94 में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 95/2, ये तो बदल गया किसमें, अंश में। ठीक है, और ये माइनस सीधे सीधे उतार लिए। अब देखिए, अंश में हो गया है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा, पाई बटे 180 से गुणा करना होगा। तो चलिए हल करते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर इसको हम लिख लिए गुणे पाई बटे 180, इसका हमने गुणा कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर 19 × 95 होता है, यानी 5 से अगर काटें तो यहाँ पर 19 होगा, और इसको काटें तो ये 36 होगा। ठीक है, 5 से काट दे रहे हैं तो ये 19π हो जाएगा, 19π/36 × 72, इसको हम लिख सकते हैं 19π/72, यही इसका आंसर है। अब देखिए, तीसरा सवाल दिया गया है 240 अंश, तो इसको भी सेम, केवल पाई बटे 180 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 × π/180। अब देखिए, यहाँ पर हम काटेंगे इसको तो 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटिए तो 12 × 2 = 24 होता है, और 2 × 9 = 18 होता है, ये हो जाएगा 12π/9। अब देखिए, 3 से काट दीजिए इसको, 3 × 12 = 3×9, यानी 4π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4π/3, इसका आंसर यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, चौथा सवाल इसमें। देखिए, इसमें चौथा सवाल दिया गया है 520, तो इसको भी क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 से सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 520 × π/180। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर काटिए तो 2 × 2 = 4, एक इधर आ गया, 12 हो गया, 2 × 6 = 12, और ये 2 × 9 = 18, यानी 26π/9, तो इसका आंसर यही है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका होगा।
अब देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप की गणना कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें, ठीक है। इसमें दे दिया गया है पाई का मान जो रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा, 22/7, ठीक है। तो चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल दिया गया है 11/16, तो इसको हमें हल करना है। तो हम रेडियन में बदलने के लिए सेम उसी को पलट कर गुणा करते हैं, जैसे पाई बटे 180 से गुणा करते थे ना पहले वाले सवाल में, इसमें हम 180 बटे पाई से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/16 गुणे 180 बटे पाई, ठीक। और देखिए इसको जब आगे हल करेंगे हम, तो यहाँ पर पाई का मान कितना रखा गया है, 22/7 ना, तो हम रखेंगे यहाँ 22/7, बटे सात होता है लेकिन हम क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे सात को, यानी गुणे सात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11 और यहाँ पर 22 है, 11 का 11 क्या रह दूना 22, इसको हम काट सकते हैं, तो यानी 11 से का और 11 दूना 22 कट गया। और इसको भी हम काट सकते हैं 4 से, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 5 20 इधर आ गया 45, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर बचा कौन 45/7 और नीचे 4/2 इसको लिख दिए, ठीक है। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो 45 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 315 और 4 दूना 8, ठीक है। जब इसका हम भाग दे देंगे तो 8 का 315 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 39/3/8, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 39+3/8, अगर इसको हल करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया अंश में, और इसको हम मिनट में बदल देंगे, ठीक है। तो चलिए मिनट में बदलते हैं, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से गुणा करना होगा, उसमें 60 से भाग दे रहे थे ना, इसमें 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 39 अंश + 3/8 × 60, ठीक है। तो जब हम 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा किसमें, मिनट में हो जाएगा, मिनट के लिए एक डैश करते हैं तो मिनट कहा जाता है। अब देखिए इसका हम जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम काट सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 15 में 60, यानी 15 चौका 60 होता है ना, तो ये हो जाएगा 39 अंश + 3/15/2, 3/15/2, ठीक है, 15 3 45/2, ये तो अभी मिनट में है। अब देखिए इसको भी अगर हम 2 से 45 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 22/1/2, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 39 अंश + 22 मिनट + 1/2 है ना, इसको जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे वैसे यहाँ पर भी लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 1/2, तो 1/2 मिनट है, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो हम अगर 60 से गुणा कर दें तो ये सेकंड में बदल जाएगा, तो सेकंड में बदलने के लिए हम यहाँ पर डबल डैश लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड में, तो इसको जब आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 60, यानी 30 × 2 = 60 होता है ना, तो ये हो जाएगा फाइनली 39 अंश + 22 मिनट + 30 सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड, यही आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। अब देखिए इसका दूसरा सवाल दिया गया है -4, तो -4 में हम क्या करेंगे 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 180 और बटे पाई है, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, तो यहाँ पर 22/7 यानी गुणे 7 हो जाएगा ऊपर। इसको जब आगे हल करेंगे तो देखिए 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 22, यानी 11 × 2 = 22 होता है ना, गुणे 7। देखिए अब इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे 180 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणे, और ये यहाँ पर 7 था तो इसको हम 7 लिख दे रहे हैं, बटे 11, ठीक है। अब देखिए 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 × 42 = 2, 7 × 3 = 21, 21 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25/11, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 से इसमें भाग दे रहे हैं,
तो अगर 11 से जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 229 सही 1/11। ठीक है, आप भाग देकर देख लीजिएगा तो ये हो जाएगा 229 सही 1/11। और यहाँ आगे माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस ऐसे ही लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 229 प्लस 1/11, ये दोनों ही अभी अंश में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से गुणा करना होगा। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 229 अंश प्लस 1/11 गुणे 60। अब ये क्या हो गया, मिनट में हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक डैश लगा दिए मतलब मिनट में हो गया। अब देखिए इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60/11 और अगर हम 11 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 सही 5/11। और इसको सेफ ऐसे उतार ले रहे हैं, यहाँ पर इसके आगे माइनस है तो आप माइनस लगाते चलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 5/11। तो चलिए आगे लिखते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 229 अंश, ये माइनस है तो माइनस उतार लेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट प्लस 5/11, अगर हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड में, तो 60 से गुणा कर दिए। अब देखिए इसको आगे हल करिए तो ये हो जाएगा 229 अंश प्लस 5 मिनट प्लस, इसको जब हल करेंगे तो लगभग 27 सेकेंड के बराबर आएगा, लगभग में आएगा, एक्चुअल में नहीं आएगा लेकिन लगभग में आ जाएगा 27। ठीक है, इसका जो फाइनली आंसर होगा ये हो जाएगा 229 अंश 5 मिनट 27 सेकेंड, ये इसका आंसर है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए।